नमस्कार दोस्तों, डीडी नेट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का, फॉर कश्मीर पाकिस्तान सेलिब्रेटिंग एटॉमिक बॉम्ब डे। अच्छा, चलिए बढ़िया है, चलिए देखते हैं। वो स्क्रीन पे नज़र आ चुका है, मेरे साथ है अबू ज़र। और जब भी अबू ज़र चैनल पे आते हैं तो बहुत से कहते हैं ना, काले सच से पर्दे उठाए जाते हैं। वो सियास सच जो कि किसी ताबूत के अंदर बंद है, या फिर वो सच जिसको दुनिया जो है एक बहुत बड़ा झूठ मान चुकी है कि ये तो सच है ही नहीं है। आप कहेंगे शायला बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है इंट्रो में। मैं इस वजह से कर रही हूँ कि पाकिस्तान ने आज जो है योम तकबीर मनाने का फ़ैसला किया है। अब बहुत सी मेरी ऑडियंस ऐसी है जिनको पता नहीं है कि योम तकबीर, तकबीर का मतलब तो पता है ना कि अल्लाह अकबर, मतलब कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान जो है एक एटमी पावर बना था, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था। तो 26 साल बाद हमारी गवर्नमेंट को याद आया कि क्यों ना इस दिन को पूरे पाकिस्तान को छुट्टी दे दी जाए, और डे का नाम रखा योम तकबीर अल्लाह अकबर। अच्छा, मेरे साथ अबू ज़र मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। ये 26 साल बाद ये क्या हुआ है कि पूरा पाकिस्तान बंद है, और 26 साल बाद या तो ये हमें बता रहे हैं कि हम न्यूक्लियर पावर है, या ये दुनिया को बता रहे हैं जो शायद हमें हल्के में ले रहे थे। जी ऐसे है, देखें इस ये जो लफ्ज़ है ना योम तकबीर जी, जिसके ऊपर कल बेसिकली मैं बताता चलूँ, पूरे पाकिस्तान में ना कल योम तकबीर है। 1998 और 28 में को ना पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री बना, हमारा सुबह प्रोग्राम आएगा ना तो सुबह 28 ही है जी, सुबह 28 है तो मतलब। हाँ। और 28 को पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने ना हॉलीडे अनाउंस कर दिया, पब्लिक हॉलीडे। हाँ। अनाउंस क्यों किया है, क्योंकि योम तकबीर इटसेल्फ जो वर्ड है इसका मीनिंग है द ग्रेट डे। तो ग्रेट डे किसके लिए, मतलब देखने वाली बात ये है, क्योंकि जो हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, न्यूक्लियर कंट्री हैं, मुल्क के हालात तो देख के नहीं लगता कि ये ग्रेट डे है लोगों के लिए। तो ये ग्रेट डे किसके लिए है, और इस तरह की कोई प्रैक्टिस पहले क्यों नहीं की गई। जैसे कि आपने जिक्र किया, इट्स बीन लाइक 26 ईयर्स हम न्यूक्लियर कंट्री बने हुए, तो 26 सालों में ये डे क्यों नहीं सेलिब्रेट किया गया, और अब एकदम ये डे सेलिब्रेट करने का ख्याल कहाँ से आया। बिल्कुल, तो देखें इसके अंदर या तो ये है कि इंटरनेशनली कोई पैगाम भेजा जा रहा है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, और उस हवाले से मतलब जो आपके, क्योंकि काफ़ी सारे मामलात पाकिस्तान के इन रिसेंट डेज, रिसेंट कुछ सालों के अंदर मुल्क के अंदर इंटरनली सिचुएशन जो रही है वो कुछ मुनासिब नहीं रही है। तो या तो ये एक पैगाम भेजा जा रहा है, या फिर ये है कि इस डे को एज बैज ऑफ ऑनर के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, और हमको वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे एक बाकी न्यूक्लियर स्टेट को ट्रीट किया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखें, अब इसको कहा जाता है दी ग्रेट डे, ये ग्रेट किस हवाले से हुआ, जब ये टेस्ट हुए थे सारे के सारे इन बलूचिस्तान, जब आप न्यूक्लियर को टेस्ट कर रहे थे तो वहाँ सबसे पहले जो चीज़ जिस चीज़ ने जन्म लिया था वो थी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बन गए थे, क्योंकि रेडियो एक्टिव इसके अंदर रेज होती हैं, और कई सालों तक कई लोग इस चीज़ का शिकार रहे, और इस हद तक शिकार रहे कि कैजुअलिटीज़ भी सुनने में आता है कि हुई थी। ये ऑफ द रिकॉर्ड हैं चीज़ें, मैं भी इसको ऑन द रिकॉर्ड नहीं लूँगा कि मे बी हों भी सही, लेकिन कैजुअलिटीज़ हुई थी, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी कोई डेंजरस उसको रेडियो एक्टिव वेव को टेस्ट करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आते होते हैं। सेकेंडली, क्या ये चीज़ पाकिस्तान के हक में बेहतर रही, अहम चीज़ तो ये है। पहले तो मैं इस छुट्टी के ही अगेंस्ट हूँ, क्योंकि देखें पाकिस्तान के अंदर छुट्टियों का ना शायद कोई कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। कॉन्सेप्ट से मुराद ये, आप पाकिस्तान में देख लें, नाना करते आउट ऑफ 365 डेज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 165 डेज को हॉलीडेज होती हैं, मतलब 3 महीने गर्मियों की। अब देखें अभी मई का महीना है, स्कूल में छुट्टियां हो गई हैं, यूनिवर्सिटी तलीमी इदारे बंद हो गए हैं, 14 अगस्त को के बाद 15 अगस्त को ही ओपन करते हैं इंडिपेंडेंस डे के बाद, और होता क्या है हर साल गर्मी की लहर अभी बाकी होती है, 15-20 दिन और बढ़ा दे। हमारे यहाँ बिहार में मैंने सुना, खबर मिली मुझे कि यहाँ पर गर्मी की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं, यहाँ पर स्कूलों में गर्मी की छुट्टियाँ नहीं हैं, बाकी यूपी में है, बाकी जगहों पे पूरे देश में है, बिहार में गर्मी की छुट्टियां रद्द कर दी गई। बिहार में टीचर भी स्कूल जा रहे हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो पता किया मैंने तो पता चला कि जी शिक्षा विभाग ने कहा है कि भाई जब आप राजकीय कर्मचारी बनना चाहते हैं टीचर्स के लिए, तो फिर काम भी आपको राजकीय कर्मचारी के तरह ही करना होगा। तो राजकीय कर्मचारियों को ये 30-32 दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, 100 कुछ दिनों की छुट्टी तो है ही जो नॉर्मल है, लेकिन ये जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो तो नहीं मिलती राजकीय कर्मचारियों को। तो आप भी अगर राजकीय कर्मचारी हैं तो आपको भी नहीं मिलेगी। तो चलो भाई, अब मुझे लग रहा है कि सारा नुकसान जो है वो थोड़ा बच्चों को ज़्यादा हो रहा है, इतनी गर्मी में जा रहे हैं बेचारे बच्चे, ऐसे तो घरों में रहते अपना मस्त रहते, गर्मी की छुट्टियाँ एक तरह से मैं कहूँ कि उनके लिए बड़ा रिलैक्स करने वाली चीज़ होती है, लेकिन बिहार में बंद हो गई थी। 3-4 महीने आपकी समर हॉलीडेज हो जाती हैं, 15 दिन की विंटर हॉलीडेज होनी होती हैं जो 3 वीक पे चली जाती हैं, फिर आपकी क्रिसमस है, काइज डे है, इकबाल डे है, डिफेंस डे है,
23 मार्च है 1965 को जब जंग जीते थे वो हाँ, लाइक वाइज मतलब हमारी इतनी छुट्टियां हैं कि आपकी सोच हमारी कितनी, अब कल का दिन योम तकबीर है हाँ। और कल के दिन होगा क्या? हम न्यूक्लियर स्टेट बने क्यों थे, वजह क्या थी ये न्यूक्लियर बम बनाना, और फिर पूरी दुनिया में इस बम को कभी पावर के सूरत में इस्तेमाल हुआ तो कभी इस बम ने हमारा जो है बड़ा मजाक बनाया कि भाई आप लोगों के पास बम है फिर भी भीख मांगते हो, तो ये बम हमने बनाया क्यों था? देखिए जी, ये बम कोई ऐसी चीज़ है कि वो कहते हैं ना कि वो मेढक ऐसी चीज़ है, सांप अगर उसको उगलता है तो भी मरता है, निकालता है तो भी मरता है। पाकिस्तान को बेसिकली जो फियर था जो हर कंट्री नहीं, ये तो गलत है आपने दे दिया भाई, ये तो फेक चीज़ है। सांप तो मेढक को खाने के लिए पैदा हुए हैं, तो सांप तो मेढक को खा जाते हैं। जो जानवर फंसता है ना, सांप जिसमें फंसता है वो है छुछुंदर। तो कहावत बनी है सांप छुछुंदर वाली हालत हो जाती है कि अगर सांप, देखिए सांप चूहे को भी खाता है मेंढक को भी खाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सांप अगर छुछुंदर को खा ले, मतलब चूहे जैसी प्रजाति है, छुछुंदर है अलग प्रजाति है, तो खाएगा तो उसकी वजह से भी मरेगा और उगल सकता नहीं क्योंकि उगलेगा तो उसके दांत टूटेंगे। तो इसलिए वो कहावत बनी सांप और छुछुंदर बने, मेंढक से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई दर्शक आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या मैंने गलत बात कही या उन्होंने सही बात कही। जहां तक मुझे याद है कि सांप छुछुंदर वाली हालत कहावत इसीलिए बनी है क्योंकि अगर छुछुंदर गलती से सांप ने खा लिया तो ना उसको निगल सकता है, निगलेगा तब भी मरेगा, उगलेगा तब भी मरेगा, बाकी चूहे और मेंढक के साथ तो उसको कोई दिक्कत नहीं। मतलब बहुत सारी कंट्रीज को होता है, वो होता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का। ये तब होता है जब आपके एक्सटर्नल एनिमीज इस कदर मतलब ताकतवर हों कि आपको ये थ्रेट हो कि कभी भी वार छिड़ सकती है और वो अपने न्यूक्लियर वार को यूज करके आपकी टेरिटरी पे टेक ओवर कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने भी इसी आइडियोलॉजी को माइंड में रखते हुए इंडिया को काउंटर करने के लिए सिंस इंडिपेंडेंस टिल डेट, हमारा जो मतलब मेजर एक पाकिस्तान के अंदर देखा गया है, हमारा एक्सपीरियंस भी इंडिया के साथ रहा है ना, जैसे 65 की वार है, 71 की वार है, फिर बांग्लादेश हमारा हाथ से चला गया 71 के अंदर, हमारे मतलब वहाँ बहुत सारे नौजवानों ने सरेंडर भी किया। वो कैजुअलिटीज देखते हुए पाकिस्तान को अर्जेंट नीड जरूरत हुई कि वी नीड टू बी अ न्यूक्लियर स्टेट। ठीक है, मे अल्लाह फॉरबिड अगर दोबारा मुस्तकबिल में वार की सिचुएशन बनती है और कोई खिता हमारे हाथ से जाता है तो हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम न्यूक्लियर फोर्स का इन दैट कंडीशन अगर जरूरत पड़े तो हमारे पास हो। एक पाकिस्तानी ये साबित कर दे कि पाकिस्तान से लड़ी गई चारों लड़ाइयां भारत ने शुरू की थी या एक लड़ाई भारत ने शुरू की थी, तो जैसे ही कोई ये लॉजिक देता है ना या कोई दलील देता है ऐसी कि भारत को ध्यान में रख के बनाया गया आपकी कहीं कोई कब्जा ना कर ले, आप मुझे बताइए कि आज 76 ईयर्स में भारत ने कब आप पर अटैक किया है? एक भी जंग भारत ने शुरू नहीं की है, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं क्योंकि मेरे पास सबूत है। मैं आपके फॉर्मर एयर चीफ असगर खान उनकी बात सुनवाता हूं, सुनिए। हर लड़ाई आपने शुरू की, सुन लीजिए। तो जंग हमने शुरू की थी 65। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई या क्यों आपको इसमें शामिल? मैंने आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या उसकी क्या आवामिल थे वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में जब बंगालियों ने बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की, और कारगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार? हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते, ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशिमान होते हैं, बाद में निदावत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे देखो जी हिंदुस्तान की कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत पर बयान कर रहा हूँ। मैं आपके पाकिस्तान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट परवेज हुदबॉय की बात सुनाता हूँ। हर लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की, सुनिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने तीन जंगें लड़ी हैं, तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। 1947 की, 1965 की, 1999 की, कोई इसे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। मैं आपके आर्मी के फॉर्मर ऑफिसर आबिद राव की बात सुनाता हूं, उन्होंने भी कहा था कि हर लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की, सुनिए। आप पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में देखें, हमने 65 में एक अबॉर्टिव अटेम्प्ट की, बगैर तैयारी के हमने जंग शुरू की और फिर उसको हाफ में छोड़ दिया, ना आपके हाथ कुछ आया
और आप मतलब एक हमलावर भी इस्टेब्लिश हुए और आपने उस फेज को गंवा दिया कि आइंदा अगर आप कश्मीर पे कोई ऐसी हरकत करेंगे तो क्या वो दोबारा आपका साथ देंगे नहीं देंगे। 71 में एक चांस था हमारे पास कश्मीर को लेने का, वी लॉस्ट टेरिटरी है, ईस्ट पाकिस्तान भी खोया, हमने ये भी खोया। फिर उसके बाद लास्ट अटैम्प्ट कारगिल का हुई, ये भी अबॉर्टिव अटैम्प्ट थी, पूरी तैयारी नहीं थी, तीनों फोर्सेज एक लाइन पर नहीं थी, आपका फॉरन ऑफिस उस लाइन पर नहीं था, कोई तैयारी नहीं की गई, वो बीच में फिर हमने छोड़ दिया। अब अगर इसके बाद ये लॉजिक दिया जाता है कि भारत की तरफ से खतरा है, भारत अटैक करेगा, भारत ये करेगा, भारत ने वो किया, भारत ने ऐसा किया, कोई साबित करे पाकिस्तानी कि भारत ने आपके साथ जंग करनी चाहिए, आप लोगों ने अटैक किया, आप लोगों ने जंग शुरू की, तो हम डिफेंड भी ना करें क्या? आप फालतू की लॉजिक दे रहे हैं सर आप। वो बने, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो बने, वो अगेन वो एक काउंटर अप्रोच उसकी हो गई। मतलब अब आप देख लें कि अल्लाह माफ़ी दे, हम आज भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं हैं। फ़र्क इतना है कि पहले हम एक्सटर्नली थे, अब हम एक्सटर्नली प्लस इंटरनली हैं। क्योंकि देखें, जब आप न्यूक्लियर स्टेट बनते हैं, न्यूक्लियर स्टेट बहुत पावरफुल स्टेट होती है। आप यूएसए की बात करें, आप पेरिस की बात करें, आप लाइकवाइज यूके की बात करें, जितने न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, नॉर्थ कोरिया की बात करें, इंडिया कितना पावरफुल हो गया, इंडिया की बात करें, चाइना की बात करें, अब अगर वो न्यूक्लियर स्टेट हैं तो उनकी कदर डिफरेंटली होती है। क्यों? क्योंकि वो साथ इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं और उन्होंने अपने जो अवाम है, पब्लिक है अपने मुल्क की, उनको वो राइट्स दिए हुए हैं, फैसिलिटेट उनको किया हुआ है, तो अवाम फिर इस चीज़ को ओन भी करती है। लेकिन हमारे लिए न्यूक्लियर बनना एक तरीके बर्डन बन गया। बर्डन क्यों बन गया? क्योंकि न्यूक्लियर को बनाने के लिए एक तो हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट आई और लेटर ऑन उसको डिफेंड करने के लिए जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट आई, अब न्यूक्लियर की वजह से अमेरिका हमसे बहुत खफा हुआ था, क्योंकि ये रजामंदी के साथ तो बन नहीं रहा था। वो किसी भी मुल्क को जब वो कंट्री न्यूक्लियर बनता है तो उस पर सैंक्शन लगाता है, हम पे भी लगी थी, तो हमने सैंक्शन भी भुगती, बहुत सारी चीज़ें फेस की। हुआ क्या, इस सब में फिर पब्लिक के जो राइट्स थे ना, वो डिनाय होते गए। हमने अपने आर्म को तो प्रोटेक्ट किया, अपने न्यूक्लियर को तो प्रोटेक्ट किया, अवाम को हमने डिनाइल के मोड पे लगा दिया। जब अवाम डिनाइल मोड पे गई, अवाम ने न्यूक्लियर तो नहीं खाना, अवाम के जो बच्चे हैं वो न्यूक्लियर के ऊपर तो नहीं पलने। अवाम को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से क्या लेना देना, जब वो वजूद में हो के भी इस कदर जी रहे हैं कि जैसे वो उनका हर दिन एक अजियत का है। क्योंकि हम अगर इलीट की बात करें, वो 1-2% है मुल्क की, वो डिफरेंट सीनेरियो है। आम पब्लिक की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रॉब्लम में है, महंगाई की वजह से, हर चीज़ की वजह से, और उसका जो एक मेन फैक्टर है वो एक न्यूक्लियर है। चलो ठीक है, न्यूक्लियर बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्यूक्लियर होने का मतलब ये होता है कि आप फिर उस मकाम पे आएँ और आप तो बाकायदा जो कंट्री के ब्लॉक्स होते हैं वो चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। आप न्यूक्लियर कंट्री हैं, क्योंकि न्यूक्लियर कंट्री क्या करते हैं, आप लोग की बात करते हैं, हमें कोई पहली सब में खड़ा होकर मासा तस्वीर नहीं उतारता। आप बात करते हैं कि हमें कंट्री के ब्लॉक चेंज करने चाहिए ऐसे। अब देखें ना, जो मेन डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक रशिया है, अब रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के अंदर वो घुसा और यूक्रेन को सक्सेसफुली उसने अपने कब्जे में लिया। हालांकि वहाँ उसने कोई ऐसा न्यूक्लियर वार यूज़ नहीं किया, लेकिन रशिया चाहे तो कल चाइना के साथ मिलकर, लाइकवाइज ईरान के साथ मिलकर, जो अनऑफिशियली न्यूक्लियर कंट्री है, इनके साथ मिलकर वो पूरे खित्ते की पॉलिटिकल डायनेमिक ही बदल देते हैं। हम न्यूक्लियर कंट्री हो के हम क्या कर रहे हैं, हम औरों के हाथों यूज़ हो रहे हैं। क्यों? हमें अगर IMF से कुछ चाहिए तो हम उनकी शर्तें मान लेते हैं, हमें अमेरिका से एड चाहिए तो हम उनकी शर्तें मान लेते हैं। तो हमारा न्यूक्लियर होना तो हमारे हक में बेहतर ना हुआ उस तरीके। अब मेरा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बनना चाहिए था, आप बन गए हैं, लेकिन अब आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करें। आप ये फार्मूला भी तो देखें, लाइक जैसे हमारी गल्फ कंट्रीज़ हैं, लाइक सिंगापुर है, लाइक वाइज दुनिया के 195 कंट्रीज़ हैं, उसमें से कितने ही कोई न्यूक्लियर हैं, 10-15, इससे ज़्यादा 15 से ज़्यादा नहीं है। अब जो बाकी कंट्रीज़ हैं, क्या वो अल्लाह माफ़ी दे उनके ऊपर कोई तबाही मच गई है? ना, दे आर लिविंग 1000 times बेटर लाइफ देन अस। अब सिंगापुर है, मैं तो बहुत बड़ी मिसाल ले गया हूँ, सिंगापुर गल्फ कंट्री की मिसाल ले लेते हैं, वो न्यूक्लियर नहीं है, लेकिन उनको किसकी सपोर्ट है? हमारी सपोर्ट है। अब सऊदी अरेबिया के अंदर हमारे जो भी रिटायर्ड मिसाल के तौर पे जनरल रहील शरीफ हैं, वो वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, वो वहाँ सर्विस दे रहे हैं और वो सारी मुस्लिम उम्मा के जो हैं हेड हैं। तो अगर वार टाइप सिचुएशन कोई बनती भी है तो वो वहाँ स्ट्रेटजिस्ट भी हैं और ये है कि पाकिस्तान आर्मी भी हेल्प करने के लिए जाती होती है। तो क्या हम ये मॉडल नहीं ले सकते थे? हम अगर मुस्लिम कंट्री हैं और हमने ये ठेका लिया कि हम बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ को डिफेंड करेंगे, अब बाकी मुस्लिम कंट्री हमारी तरफ होप की नज़र से पहले क्यों देखते थे कि ये न्यूक्लियर कंट्री है? लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, हम सब की तरफ उम्मीद से देखते हैं कि काश हमारी कोई हेल्प कर दे। और हम ज़्यादा कर्जा इसी वजह से भी मांगते हैं कि भाई हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमें कर्जा दे, वरना हमारा न्यूक्लियर पावर जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है हमारे हाथ से निकलेगा तो फिर आपके भी काम नहीं आएगा। तो वो चीज़ें जो है ना, अब लोग हमारे न्यूक्लियर पावर से तंग आ चुके हैं यार, इन्होंने एक बम क्या बना लिया, रोज पैसे मांग रहे आ जाते हैं। बेसिकली एक गेस्चर तो जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर को इस तरीके से सेल करता है, लेकिन इंटरनेशनली एक फियर होता है कि अगर हम इनकी हेल्प आउट नहीं करते तो अगर ये ज़रा सा भी किसी और कंट्री को बिक गया जो न्यूक्लियर बनना चाह रहे हैं, तो अब वो कंट्री हो सकता है
किसी ऐसे सुपर वर्ल्ड कंट्री का दुश्मन हो जिसके साथ होना चाहते हो, क्योंकि दोस्ती हो में अब हमें पैसा हाँ। देते हैं, अब अल्लाह ना करे मिसाल के तौर पे नॉर्थ कोरिया को पाकिस्तान हेल्प आउट कर देता है इस मामले में, तो अमेरिका को कितनी प्रॉब्लम होगी, नॉर्थ कोरिया हमारा कर्जा उतार देगा सारे का सारा। अमेरिका कहता है भाई इधर आ, तेरी मेरी अच्छी दोस्ती चल रही है, भीख लेता रहे मुझसे, वैसे भी तो मेरी कॉलोनी है, मेरे अंडर है हाँ। तो मतलब मैं तेरा सिस्टम चलाता रहता हूं। एक और चीज है, इंडिया के अंदर कांग्रेस एक बहुत बड़ी जमात है, मुझे लगता है पाकिस्तान ने योम तकबीर कांग्रेस के साथ ही मशवरा करके रखा होगा हाँ। कांग्रेस ने मोदी को कहा है कि आपको पाकिस्तान से डरना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, ठीक है। तो जब इंडिया टीवी पे मोदी साहब आए, उन्होंने कहा वो बम मैं लाहौर जब गया था ना, मैं देख के आया हूँ, बिना सिक्योरिटी चेक के मैं पाकिस्तान में दाखिल हो गया। अब हमारे इंडिया भी एक एटमी पावर है, अमेरिका भी है, और जैसे आपने कहा 10 से 15 कंट्रीज होंगी, लेकिन हमारा ही एटम बम सुर्खियों में क्यों रहता है? बेसिकली हमने वो मार्केट इसको इतने अच्छे से किया हुआ है डे वन से अच्छा। और हम इतना करें ना करें फिर इंडिया ने हमें बहुत मार्केट किया है क्योंकि जब टेररिज्म की बात होती है, जब भी कोई बात होती है तो वो पाकिस्तान को सरफहरिस्त लाते हैं हाँ, हाँ, और उसके येस, अंदर येस, फिर येस, वो येस है, हाँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिक को रियलाइज कराते हैं, खासतौर पर USA को या नेटो कंट्रीज को, कि पाकिस्तान ये सारा कुछ इसी वजह से कर रहा है क्योंकि एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसको बैक एंड पे सपोर्ट ये कॉज कर रहा है कि अगर हमारे साथ कल किसी ने कुछ ज़्यादा आउट ऑफ द वे आके एंकी बैंकी की तो हम न्यूक्लियर अपनी वो पावर जो है उसको यूज़ कर देंगे। बाकी रही बात मोदी साहब की कि वो पाकिस्तान में बगैर सिक्योरिटी चेक के आए हैं, तो ऐसा नहीं होता, डेफिनेटली सिक्योरिटी चेक होते हैं, वो मेहमान थे, ही वॉज वेलकम्ड, वो आए हाँ। उनकी ये स्टेटमेंट पास करना कि इनके न्यूक्लियर से घबराना नहीं है, उसकी दो रीज़न हो सकती हैं। एक तो ये कि अल्लाह माफी दे कभी ये वक्त ना आए, क्योंकि ये वक्त यूज़ भी नहीं करेगा कि हाँ। अगर ये वक्त आया तो वो मतलब ये दुनिया का आखिरी दिन होगा, क्योंकि जब पहले पास्ट में वर्ल्ड वॉर टू में ये चीज़ें यूज़ हुई थी तब एक दो कंट्रीज ही थे, अब एक दो कंट्रीज नहीं है, अब तकरीबन 15 कंट्रीज हैं और आपस में ब्लॉक्स बने हुए हैं, फिर अगर एक से ही हरकत होती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा हरकत हो जाएगी और ये मामला अनस्टॉपेबल हो जाएगा और विद इन मैटर ऑफ जस्ट मिनट्स आवर्स भी नहीं लगने और दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अच्छा एक तो ये है, दूसरा मोदी साहब ने ये स्पीच इसलिए की क्योंकि देखें हम हैं मुस्लिम कंट्री, अब इस टाइम पैलेस्टीन में काफ़ी कुछ हो रहा है, लाइकवाइज ईरान में हुआ, इराक में हुआ, लीबिया में हुआ, जिस भी हमारे इस्लामिक कंट्री के अंदर जाके इंटरनली वहाँ पे अनार्की आती है और मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस आके वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, अफगानिस्तान में बहुत कुछ हुआ, वहाँ पाकिस्तान का न्यूक्लियर कहाँ स्टैंड करता था? आप तो कहीं पे स्टैंड करते ही नहीं थे, तो उनको एक बात पता है कि इनका न्यूक्लियर है शायद शो पीस की हद तक है, दिखावे की हद तक है, लेकिन इसको ये लोग यूज़ करना नहीं जानते या यूज़ कर नहीं सकते, इस वजह से उन्होंने आपके जो न्यूक्लियर है उसको बहुत ज़्यादा लाइट लिया हुआ है, उसको इतना वो वेटेज नहीं देते। मोर ओवर ये पूरी दुनिया को पता है, उनको भी पता है कि न्यूक्लियर वार तो आनी नहीं, तो हमने न्यूक्लियर की बहस इनसे अब क्या करनी, वार जो चलनी है वो है इकोनॉमिकल वार है और मतलब उसकी आईटी की वार है, इंडस्ट्री की वार है, एआई की वार है, उसके ऊपर पाकिस्तान तो कहीं मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता ना 195 कंट्री में, शायद अफगानिस्तान भी हमसे आगे हो इस चीज़ के अंदर, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये इतनी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, लेकिन हमने इसको इतना इंपॉर्टेंट ले लिया है कि हमने इसके ऊपर एक दिन का ऑफ दे दिया है, बच्चों को भी छुट्टी, कॉलेज से भी, पूरा का पूरा मुल्क बंद है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमने अपना एक और बड़ा मजाक बना दिया है कि हमारे वजीर आजम जो है सऊदी अरब गए हुए हैं मांगने के लिए कि थोड़ा पैसे दे दो, तक उन्होंने पहले भी कहा कि मैं मांगने नहीं आया, हमारी मजबूरी, एक्चुअली उन्हें पॉलिटिक्स करनी नहीं आई, पहले भी मांगते रहे लेकिन कुछ ढकी छुपी बातें होती रही, जब से शहबाज शरीफ आए इन्होंने वो पर्दा भी उठा दिया कि हम मांग ही रहे हैं। अब दुनिया सुबह यही बात करेगी कि वजीर आजम मांगने गया और पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर की जो है छुट्टी मना रही है, मतलब ये क्या आपको नहीं लगता कि जो भी कदम हम अब उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए हैं, और इसके साथ साथ IMF से हम कर्जे की उम्मीद कर रहे हैं, तो IMF भी सोचेगा भाई ये तो दुनिया को अपनी पावर दिखा रही है कि हम न्यूक्लियर पावर है इसलिए हमने छुट्टी दी है, तो फिर हमारे टेबल पर क्या करने आते हैं जी? इसमें अब दो तीन चीज़ें हैं और दोनों तीनों चीज़ें मैं आपसे इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा एक तो ये है कि मैंने पहले भी मल्टीपल ये हर मेरे ख्याल से इंटरव्यू में ये बात डिस्कस होगी कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे टाइमिंग बहुत मैटर करती है, तो एक टाइम के ऊपर आप मतलब एड लेने के लिए सऊदी अरेबिया साफ जरा आपका और क्या काम होना है, आप गए होने हैं क्योंकि अगली आपकी इंस्टॉलमेंट आई होनी IMF की, तो आप गए होने उनको कहने के कोई $3 बिलियन हमारे रिजर्व में आप रखवा दीजिए, दूसरे आप एट द सेम टाइम आप हॉलीडे अनाउंस कर देते हैं, तो इसकी प्रॉब्लम मेन वहीं आती है कि इनके पास एडवाइजर्स नहीं हैं, जो एडवाइजर्स हैं वो बहुत पुअर हैं, और ये चीज़ सपोर्ट कैसे होती है? आज के दिन पाकिस्तान के अंदर बिल अप्रूव हो चुका हुआ है जिसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगा दी जा चुकी हैं, अब अगर अल्लाह माफ़ी दे उनको कोई भी कंटेंट क्रिटिसिज्म की सूरत में अगर उनको पसंद नहीं आता गवर्नमेंट को या उनको गैर ज़रूरी लगता है, तो वो पूरा राइट रखते हैं कि उनके साथ वो फिर जिस तरीके का सलूक करें। अब ये फियर कहाँ से आता है? ये फियर वहाँ से आता है जब आपकी पुअर गवर्नेंस होती है, जब महंगाई की वजह से या फॉर वट एवर रीज़न पुअर गवर्नेंस की वजह से अवाम आपको सपोर्ट नहीं करती, सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म करती है, तो आप फिर इस तरह का, अब कल तक तो जब PTA की गवर्नमेंट थी तो मरियम नवाज़ इस बिल के सबसे ज़्यादा अगेंस्ट थी,
कि ऐसा कोई बिल नहीं होना चाहिए। अब जब उन्होंने समहाउ जैसे तैसे भी करके जो भी चैनल उन्होंने यूज़ किया वो गवर्नमेंट में आ चुकी हैं, उन्होंने आती सबसे पहले ये बिल अप्रूव कराया कि सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह फेसबुक यूट्यूब इसके ऊपर जितने भी मतलब भी हम अनरजिस्टर्ड से मुराद जो पाकिस्तान टेलीविजन के साथ या मीडिया से हमने वो नहीं लिया हुआ लाइसेंस नहीं लिया हुआ, अगर हम कोई इस तरह की कवरेज करते हैं या टॉपिक डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड और वो क्रिटिसिज्म उनको नापसंद गुजरता है जो कि उनको गुजरेगा क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग फैक्ट बेस बात करते हैं ना बगैर घबराए हुए, सबको सारा इंटेलेक्चुअल निकल के आता है और वो सेंसर्ड नहीं होता, वो फिल्टर नहीं होता और वो स्क्रिप्टेड नहीं होता। तो उसको ये लोग अब जिस तरीके एक प्रैक्टिस पाकिस्तान में चलती रहती है उठाएं या व्हाटएवर जो भी करें, तो ये सारी चीज़ें एकदम आके जब हो रही हैं ना, एक तरफ आप न्यूक्लियर डे की छुट्टी मना रहे हैं, दूसरी तरफ आप एड मांगने के लिए बाहर गए हुए हैं, तीसरी तरफ आपने सोशल मीडिया के ऊपर आपने बैन लगा दिया हुआ है कि आप कोई भी कंटेंट वो अगर आउट ऑफ द वे जाके पोस्ट करते हैं आपको उठा लिया जाएगा, तो ये सब फियर दिखा रहा है आपका और ये सारा ब्लंडर बाहर के मुल्क में बैठ के लोग हंसेंगे। इवेंचुअली IMF को भी तो ये तासुर जाता है ना कि आप एक फेल्ड इकॉनमी हैं, आपके लिए तो एक दिन किसी का कारोबार भी बंद हो तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, तो आप पूरा मुल्क एक दिन बंद कर रहे हैं सिर्फ एक दिन बनाने के लिए। आपको तो चाहिए आप डबल एफर्ट कर दें, वर्किंग आवर्स को 8 की बजाय 16 घंटे कर दें, आपने 8 की बजाय 0 क्या उसको नेगेटिव ही कर दिया, एक दिन अनाउंस कर दिया। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि कल के दिन जैसे ये एक दिन है योम तकबीर, आपके पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए थी कि हमारे पास जो ये न्यूक्लियर हैं इसका हमने करना क्या है भाई, एक चीज़ अल्लाह ने गलती से आप लोगों को दे भी दी है तो इसका अब करना क्या है, इसका एथिक यूज़ कहाँ हो सकता है, इसका यूज़ करना भी है कि नहीं करना, या यूज़ से हट के नहीं करते, अल्लाह माफ़ी दे वार में यूज़ नहीं करते, आउट ऑफ द बॉक्स आके बात कर लेते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आके बात इस तरीके कि आपका मुल्क बिजली की वजह से सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट फेस कर रहा है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बना लें। इंडिया तो बना रहा है काफ़ी टाइम से, इंडिया बना रहा है और चाइना ने बैटरी बनाई है जो कि 50 ईयर विदाउट मतलब उसको आपको चार्ज नहीं करना, रिचार्जेबल बैटरी मतलब है वो 50 साल तक एक दफ़ा भी चार्ज नहीं करना और वो इसी न्यूक्लियर से बन रही है। आप वो बैटरी बना लें, आप बिजली बना लें, अब ये देख लें बना लें। अच्छा अब इस पे आपको लगता है कि पाकिस्तान में बनेगा और आपको लगता है कि पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, आपको लगता है कि अल्लाह ने दिया, देने वाला था चाइना एटम बम, आपको चाइना ने दिया, उसका फॉर्मूला दिया, उसके ब्लूप्रिंट्स दिए, उसमें कौन कौन से पुर्जे लगे के वो सब दिए। और ये मैं नहीं कहता जनाब, आप ही के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं परवेज हुदबॉय, वो कहते हैं, सुनिए। बुलाया करते थे, फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप जिस जगह पे जिस सोफे पर बैठे हैं, इधर कुछ अमेरिकन सेनेटर्स आए हुए थे और उन्होंने मुझे खूब रगड़ा दिया और कहा कि हमें पता है कि आप बम बना रहे हैं, आप कहते हैं कि आप नहीं बना रहे लेकिन हम जानते हैं कि आप बम बना रहे हैं, और सबूत के तौर पर उन्होंने एक कागज़ मेरी तरफ फेंका सामने रखा और कहा कि ये वो बम के डिजाइन हैं जो हमें पता है आपको चाइना ने दिए। सुन लिया आपने। दूसरी चीज कि एटॉमिक पावर होने से होता क्या है, सोवियत संघ भी एटॉमिक पावर था, टूट गया ना, बिखर गया, एटॉमिक पावर होने के बाद भी बिखर गया और बहुत मजबूत एटॉमिक पावर था। इसलिए कहता हूं हिस्ट्री पढ़नी चाहिए और हिस्ट्री से सीखना चाहिए। सोवियत संघ को टूटते हुए देखा ना हम लोगों ने, एटॉमिक पावर होने के बावजूद टूटते हुए देखा हम लोगों में, खंड खंड बिखरते हुए देखा हमने, तो एटॉमिक पावर होने से कुछ नहीं होता है। सवाल यह है कि आपकी आवाम कितनी खुश है, आप अपनी आवाम को सहूलियतें दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ये सब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और जब ये नहीं देंगे तो लोगों में गुस्सा बढ़ता जाएगा और एक दिन आप टूट ही जाएंगे। 1971 में यही हुआ था, लोगों में गुस्सा बढ़ा, अधिकार हक दिए नहीं, टूट गया। अभी भी वही हो रहा है। अब आप कहेंगे कि तो पाकिस्तान तोड़ने की बात करता है, जी मैं नहीं करता, आपके फॉर्मर PM स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आपके फॉर्मर PM इमरान खान कह चुके हैं कि डिवाइड हो जाएगा पाकिस्तान 3 टुकड़ों में। क्यों कहा होगा उन्होंने, उनके पास इनपुट्स मिले होंगे ना कि देश टूटने की तरफ बढ़ रहा है, तभी तो बोला होगा ना ये, बाकी आप खुद समझदार। इस पे पाकिस्तान पे तो हमने आधा प्रोग्राम निकाल दिया, इंडिया भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, ठीक है, और वो डिफेंस में इतना खुद मुख्तार हो गया कि वो अब अपने मिसाइल एक्सपोर्ट करता है, अपने ड्रोन एक्सपोर्ट करता है और एक अच्छी हैंडसम किस्म की इनकम जो है अपने डिफेंस से कमा रहा है, ठीक हो गया। वो अपने डिफेंस की जो कमाई हुई है अभी लास्ट ईयर 2023-24 में, मैं आपको बता दूँ सरकार ने आंकड़ा जारी किया है, 21,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई जो हुई है हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट से हुई है, 21,000 करोड़।
अगर इसको पाकिस्तानी रुपए में तब्दील कर दूं तो 4 रुपए से मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो करीब करीब 90,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए में हमने कमाए हैं डिफेंस एक्सपोर्ट से, 90,000 करोड़ रुपए। की पब्लिसिटी उस तरह नहीं करता, हम एटम बम है, हम एटम बम है, हम कश्मीर पे चढ़ा देंगे, हम पाकिस्तान पे चढ़ा देंगे, और उन्होंने कहा है कि हमारी जो पॉलिसी है फर्स्ट यूज पॉलिसी ही नहीं है। ठीक है, अब इंडिया के डिफेंस को आप कहाँ देखते हैं? देखिए इंडिया में उनके पास है जयशंकर और उनके पास बहुत ज्यादा जो पुरानी क्रीम बैठी है ना, हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास वो मेरे ख्याल से वो लोग नहीं रहे, मतलब एडवाइजर की बात आ रही है ना। अब उनकी कितनी प्यारी बात आपने अभी कही कि हम फर्स्ट यूजर नहीं होंगे, फर्स्ट यूजर हम नहीं होंगे, लेकिन अगर कहीं और से होता है तो डिफेंस रखने का तो राइट हर बंदा रखता है। तो यहाँ से आप उनकी क्लैरिटी समझें, वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये चल रहा होता है, और सबसे ज़्यादा तो वहाँ चल रहा होता है जहाँ वार हो रही होती है। अब रशिया यूक्रेन वार हो रही है तो क्या वहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इनकी नहीं हो रही होगी, डिफेंस की हो रही होगी, लेकिन वो इसको सेल आउट नहीं करते, एडवर्टाइज़ नहीं करते। आप जब एडवर्टाइज करते हैं, इंडिया क्यों ये ब्लंडर करे? क्योंकि अगर इंडिया ये ब्लंडर करता है तो कल उनके ऊपर फिर एक क्लोज आई रखी हुई है दुनिया के सुपर पावर्स ने, क्योंकि वो एक बहुत इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो वो अपने आप को ये गेस्चर क्यों छोड़ें कि मतलब हम वार के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? क्योंकि ये हिंट जाता है, कल आपके लिए वीकनेस काउंट होता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आप अंदर खाते देखें, सक्सेस मेक्स नॉइज, आप अंदर खाते आपने जो करना है बिहाइंड द टेबल करें। कुछ चीज़ें होती हैं बैक एंड पे करने के लिए, कुछ होती हैं फ्रंट एंड पे करने के लिए। हम तो बिल्कुल बैक एंड पे करने वाली चीज़ों को फ्रंट एंड पे लेके आ गए हैं। अब न्यूक्लियर डे भी कोई सेलिब्रेशन की चीज़ होती है? मतलब इसमें अच्छा 15 कंट्रीज हैं, वो क्यों नहीं मना रहे? तो इंडिया को तो चाहिए वो 2 दिन की छुट्टी रखे, हमसे 4 गुना बड़ा मुल्क है और न्यूक्लियर पावर शायद हमसे भी बेहतर है, क्योंकि बेहतर से मुराद ये कि उनके पास हमसे ज़्यादा हैं, हमारे पास कम न्यूक्लियर है, उनके पास हमसे ज़्यादा हैं। सर्वे भी बताया था कि उनकी मेंटेनेंस भी अच्छी है। डेफिनेटली उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तो ये सारी चीज़ें उसकी मेंटेनेंस करने में भी मदद कर रही होंगी। तो कहने से मुराद वही बात आ जाती है एट दी एंड के वो इस चीज़ को लेकर बहुत वाइजली चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने को प्रिपेयर नहीं कर रहे, दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड हम भी हैं, लेकिन ये है कि वो इसको बेचते नहीं, हम इसको बेच रहे हैं। और ये बेचना किसके फायदे में है, किसके इंटरेस्ट में है? कल के दिन छुट्टी देना सबसे मतलब ये है कि अनवाइज डिसीजन है, ऑलरेडी मुल्क में इतनी छुट्टियां हैं। और दुनिया बाहर की क्या कहेगी कि पाकिस्तान एक एग्रेसिव कंट्री है, क्योंकि ये अपने एटमी पावर का पूरी दुनिया पर एक बुरा तासुस छोड़ रही है कि हमें पावर है और हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्योंकि ये दुनिया में कभी किसी ने नहीं मनाया है। देखना, और वो भी इस टाइम पे जब दुनिया के अंदर अब हार्वर्ड के अंदर सबसे ज्यादा रिसर्च किस चीज पे हो रही है, एथिकल यूज ऑफ यूरेनियम, एथिकल यूज ऑफ न्यूक्लियर। पूरी दुनिया में मामला जो अब जो डिस्कशन होती है वो इस चीज़ के ऊपर होती है, चलो ठीक है न्यूक्लियर आ गया है भाई, अब इसका यूजेज किस तरीके करना है? आप यूज़ तो इसका किसी और तरीके पॉजिटिवली तरीके कर नहीं रहे, और तब आप छुट्टी दे के अगेन वही आप वाली बात, आप दुनिया को तासुर दे रहे हैं कि हमारे पास योम तकबीर है। मतलब आप अल्लाह अकबर, अल्लाह इज़ ग्रेट, वी लव अल्लाह, हम सब मुसलमान हैं, लेकिन ये है कि दुनिया को ये तासुर इस परस्पेक्टिव में ना दें। फिर हम कहते हैं इस्लामोफोबिया। हाँ, अब देखें फिर इस्लामोफोबिया को फिर आप खुद ही मतलब लोगों को एक टॉपिक दे रहे हैं ना कि मतलब ये इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये इररेलीवेंट है कल की छुट्टी। यही तो बात है, इस्लामोफोबिया क्यों नहीं होगा? आपका TLP का लीडर है कौन था? वो कहता है कि हम नहीं वापस करेंगे IMF के पैसे। बताओ कि हमारे पास एक हाथ में वो लेके जाओ, एटम बम लेके जाओ, बोलो कि ज़्यादा पैसे मांगे तो फोड़ देंगे। तो ऐसी जो टेररिस्ट मानसिकता वाली आपकी जमात हो गई होगी, आपके लोग होंगे, तो यही होगा आपके साथ। दूसरी बात देखिए, न्यूक्लियर पावर आप भी हैं, हम भी हैं, लेकिन आप में और हम में एक फ़र्क है। अगर जंग की सूरत में आप अगर गलती से न्यूक्लियर चला देते हैं तो उसको हम डिफेंड कर सकते हैं, हमारे पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है। आपके पास नहीं है, आप तो हमारा ब्रह्मोस भी नहीं रोक पाए, बिना वॉरहेड के थी, वॉरहेड होता तो सोचिए क्या होता। तो अगर आपके पास, एक बात आपने गलत कही कि भारत के पास ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स, नहीं, आपके पास ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स, आपसे कम है हमारे पास, लेकिन देखिए कम ज़्यादा होने का फ़र्क नहीं। अगर आपके पास 150 मिसाइलें हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो 150 मिसाइलों पर लगेंगी, आपने 150 मिसाइलें दाग दी, उन 150 मिसाइलों को मार गिराने के लिए हमारे पास तकनीक मौजूद है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, और वो हम काम कर रहे हैं। वैसे अमूमन 150 मिसाइलें एक साथ मार नहीं सकते, बैलिस्टिक मिसाइलें, न्यूक्लियर, क्योंकि सारी मिसाइलें नॉर्मल तो होती नहीं है कि न्यूक्लियर की रेडी है, बस बटन दबाए फायर हो गया, नहीं, उनको प्रिपेयर करने में लंबा वक्त लगता है। तो कुछ वॉरहेड्स ही हमेशा ऑलवेज स्टैंड बाई पर रखे जाते हैं कि जरूरत पड़ गई तो उसको 2-4 घंटे 6 घंटे 1-2 दिन के अंदर तैयार करके उसको हम फायर कर सकते हैं, और उसकी मेंटेनेंस में बहुत मोटा तगड़ा खर्चा आता है। तो पाकिस्तान के पास भी कुछ लाइव वॉरहेड्स होंगे जो ऑलवेज रेडी रहते हैं, वो भी ऐसे नहीं रहते हैं, वो हाइबरनेशन में रहते हैं, मतलब उनको भी तैयार करने में आपको 24 घंटे लगेंगे, बाकी सब वैसे ही रखे रहते हैं।
उनको तैयार करने में हफ्ते भर लग जाएगी। तो अगर आपके पास 20 मिसाइलें भी हैं, 30 मिसाइलें भी हैं, तो उनको मार गिराने की ताकत है हमारे पास, वो हमारी ज़मीन पे नहीं गिरेगी। आप जाकर पढ़ लीजिएगा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है हमारे पास, हम उसको मार देंगे, बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम आपके पास नहीं। और क्या होगा अगर भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होती है, ये आपके बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं हसन निसार, सुनिए जरा वो क्या कह रहे थे, सुनिए। ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है, इन चहलों ने पढ़ा ही नहीं किया एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया, कितना 80 करोड़, वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वी, ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। सुन लिया आपने, अब मैं आपको फॉर्मर एयर चीफ मार्शल, पाकिस्तान के एयर चीफ असगर खान, उनकी बात सुनवाता हूं, अंग्रेजी में है, नीचे मैंने रोमन में ट्रांसक्रिप्शन दिया, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। This is what we've always said. कि अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की ना हमारे ऊपर न्यूक्लियर करने की, हम तो फिर भी बच जाएंगे, आप नक्शे से गायब हो जाएंगे। सुनिए, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके फॉर्मर एयर चीफ कह रहे हैं, सुनिए। This is absolutely ridiculous. What do we mean by that? Some madman sitting there will press the button and you have nuclear war. and one or two bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon. And if we use it, we'll destroy Pakistan. Not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea of the nuclear power. Who are you going to use against your nuclear weapons against? If you use one, you will get destroyed. अब इसके बाद भी अगर किसी पाकिस्तानी को लगता होगा कि हमारे पास तो एटम बम है और हम ये कर देंगे, घंटा आपसे कुछ हो नहीं पाएगा। बस आप अपनी तारीख जो है ना वो इतिहास में लिखवा लेंगे कि पाकिस्तान इस दिन तबाह हो गया क्योंकि एक पाकिस्तान ने गलत फैसला लिया भारत पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़। हम तो फिर भी बच जाएंगे सर, पाकिस्तान मिट जाएगा। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपके यहां के लोग कहते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पावरफुल लोग रह चुके हैं। तो जो भी पाकिस्तानी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप देखिए और समझिए कि जो बात बात में आप लोग कहते हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, एटम बॉम्ब चला दो फिलिस्तीन की तरफ, वो इसराइल की तरफ कर दो, इधर कर दो उधर कर दो, एटम बॉम्ब नहीं है वो, आपकी तबाही का दस्तावेज है। जिस दिन आपने उसे इस्तेमाल किया उस दिन आपकी पूरी कंट्री तबाह हो जाएगी, कुछ पागलों की वजह से 25 करोड़ आवाम जल के खाक हो जाएगी। बाकी फैसला आपको करना। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।